हेलो दोस्तों, दिस इज़ इशिका एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ इंसेनली फिट। आज की वीडियो है फैट लॉस के ऊपर कि मेरा फैट लॉस फैट बर्न का वर्कआउट कैसा होता है, पूरा 45 मिनट्स का सेशन कैसे होता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की, इसलिए मैंने बनाई क्योंकि बहुत लोगों को यही सवाल रहता है कि फैट लॉस का रूटीन बताओ, फैट लॉस की एक्सरसाइज बताओ, इसलिए स्पेशली आज मैंने ये वीडियो बनाई है। टोटल रहने वाले हैं 5 इवेंट, 5 से 6 इवेंट। हर इवेंट्स को आपको 3-3 बार करना है और याद रखना है कि वेट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पोस्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली एक्सरसाइज है ये गॉबलेट स्क्वाट। गॉबलेट स्क्वाट में मैंने लिया था नॉर्मल वेट और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाने की कोशिश कर रही थी, प्रॉपर स्क्वाट करने ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपना पोस्चर भी साथ ही साथ में प्रॉपर मेंटेन करना है। फैट लॉस की सीरीज़ की जब बात आती है तो लोग ना ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उछल कूद करना पड़े, बहुत सारे जंपिंग के इवेंट करना पड़े, लेकिन नहीं, इसमें मैंने जो वर्कआउट डिज़ाइन किया है, जो मैंने इवेंट्स रखे हैं, उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोर पर काम किया है और मल्टीपल मसल्स पर काम किया है ताकि मेरे सारे मसल्स एंगेज रहें और हर मसल का फैट बर्न हो सके। नेक्स्ट था सुमो स्क्वाट जंप। इसमें आपको ऊपर जंप करना है, जब दोनों ऊपर जंप करोगे तो दोनों पैर पास में लाना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी सुमो स्क्वाट जंप। इसमें बहुत अच्छी कैलोरीज भी बर्न होती है। याद रखना, ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, 15-15 रेपिटेशंस करने हैं हर एक सेट के। हर एक एक्सरसाइज को आपको 3 बार करना है, बीच में आपको 30-30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। तो ये रहा मेरा दूसरा सेट सुमो स्क्वाट जंप। फैट लॉस की कोई भी सीरीज बात आती है तो बहुत लोग इंक्लूड कर देते हैं उसमें बहुत सारे जंपिंग इवेंट, बहुत वॉक करना, दौड़ना, वॉक करना ट्रेडमिल पे, साइकिलिंग करना, कंटिन्यूसली जंपिंग के इवेंट करना। लेकिन ये जो इवेंट्स मैंने डिज़ाइन की, नॉर्मल भी लोग कर सकते हैं जिनको नीज में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जंपिंग की इवेंट्स मैंने इन्वॉल्व नहीं की है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है डंबल से, जो हमारे अपर बॉडी की मसल्स पे वर्क करता है, जो है रोइंग एंड डेडलिफ्ट विथ डंबल। आपको पहले रो करना है और फिर डेडलिफ्ट करना है। ये भी सेम आपको 15 रेपिटेशंस के साथ ही फॉलो करना है। याद रखना है हर सेट के बीच में प्रॉपर रेस्ट हो, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, कुछ ना कुछ मतलब पानी हमेशा पीते रहना है वर्कआउट के दौरान। डिहाइड्रेट नहीं करना है अपने बॉडी को, अगर डिहाइड्रेट करोगे तो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी तो आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो इसके मैं कर रही हूँ 15 रेपिटेशंस। ट्रस्ट मी, ये वर्कआउट जो मैंने डिज़ाइन किया कि एक साथ 2 इवेंट लेकिन एक ही सेट में, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मल्टीपल मसल्स पे काम करेंगे और साथ ही साथ में आपके कोर को एंगेज रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैट लॉस के वर्कआउट के लिए। ये था मेरा दूसरा सेट। ये जो सारी एक्सरसाइज है वो मैंने खुद डिज़ाइन की है, जिसमें मुझे लगा कि यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को इंगेज कर सकती हूँ, अपने कोर को भी इंगेज कर सकती हूँ और अच्छी तरीके से मेरी कैलोरीज भी बर्न आउट हो सकती हैं, इसलिए ऐसे मैंने कुछ इवेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं। ये था मेरा सेकेंड सेट, इसके भी मैंने 15 रेपिटेशंस किए। दिखने में ये इजी है लेकिन करते वक्त कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन अपने माइंड को अलर्ट रख के आपको ये सारे मूवमेंट्स करने हैं। इसके बाद था बाइसेप कर्ल्स प्लस डंबल प्रेस। अब प्रॉपर देख सकते हो पोस्चर कैसे आपको मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको कर्ल करना है, डंबल को ट्विस्ट करके ऊपर ओवरहेड प्रेस करना है, शोल्डर प्रेस। और इन सारी एक्सरसाइज में आपको याद रखना है कि अपने कोर को इंगेज करके रखें। कोर को इंगेज करना मतलब अपने कोर को प्रेस करके रखना, ध्यान देना, सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज नहीं है, माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपन ऐसे मूवमेंट यूजुअली करते नहीं हैं, नॉर्मली मैं या फिर आप एक सिंगल मसल को ही ट्रेन करते हैं या फिर
एक टाइम पे एक ही मसल को, एक सेट में एक ही मसल को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने हर एक सेट में मैक्सिमम 2 से 3 मसल्स को इंगेज किया है, जिससे मेरा समय भी बचता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, और इसी के लिए इस वर्कआउट को मैंने नाम दिया है फैट लॉस बर्निंग सेशन। सेम हम सेकेंड सेट भी करेंगे। ये वर्कआउट आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेसिक एंड नॉर्मल मूवमेंट्स हैं जो हर कोई कर सकता है, इसलिए मैंने नॉर्मल मूवमेंट भी, ऐसा कुछ मैंने एडवांस नहीं किया है, बस 2-2 मूवमेंट्स को मैंने एक ही एक्सरसाइज में ऐड कर दिया है। और हाँ, वर्कआउट तो आप देख रहे हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, फैमिली मेम्बर्स को ये वर्कआउट वीडियोस प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। उसके बाद मैंने डंबल से होने के बाद मैंने मैट पे स्टार्ट कर दिया फ्लोर एक्सरसाइज, जो टिपिकली मेरे कोर पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क की। यह है बाइसिकल्स। इसमें देखिए मैंने अपने कोर को कैसे इंगेज रखा है, मैं पूरा नीचे नहीं सो गई हूँ, थोड़ा सा मैंने अपनी बॉडी को ऊपर टक किया है ताकि मेरे अपर एब्स जो है, अपर एब्डोमेंस जो है, प्रॉपर इंगेज रहे। बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था मुझे स्टमक पे एक्चुअली। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्पाइडरमैन किक्स। अब ये वाली एक्सरसाइज करते वक्त कोई क्या कर देता है ना, जैसे आप पैर पीछे लाते हो तो प्लैंक ही पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो हिप्स को ऊपर कर देते हैं, और जिसके कारण उनको लगता है कि प्रेशर सिर्फ हाथों में आ रहा है। नहीं, प्रेशर आता है पैरों में, एंड स्पेशली प्रेशर आता है आपके कोर में भी, क्योंकि प्लैंक की पोजिशन मेंटेन है और फिर आप दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ पे भी काम करती है एंड आपके एब्डोमेन या फिर मतलब ही कोर पे भी काम करती है। इसका सेकेंड सेट भी मैंने कंप्लीट किया। सेम ये जो एब्डोमेन वाली एक्सरसाइज है, ये भी आपको 3 बार करनी है। हर एक सेट्स में आपको 15-15 रिपीटेशंस काउंट करने हैं, बीच में आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। स्टमक की कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त घाई नहीं करें, क्योंकि अगर आप घाई करते हो तो आपका कोर इंगेज नहीं रहेगा, प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन आपको नहीं आएगा, और ना ही प्रॉपर कैलोरीज बर्न होंगी। तो कोई भी वर्कआउट जब आप करते हो तो मसल माइंड कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इधर उधर ना देखे एक्सरसाइज करते वक्त, अपने मसल्स को प्रॉपर टेंशन क्रिएट हो रहा है या नहीं, इसके तरफ ही ज़्यादा ध्यान दें। स्पाइडरमैन किक्स का भी ये सेकंड से। जब मैं नीचे सामने पैर ला रही हूँ तो पूरे पैर नहीं ला रही हूँ, हाफ ला रही हूँ, और ये मेरा फ्लोर वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट किया है। इसके बाद ये जो मूवमेंट है कोबरा पोज वाला, कोबरा पोज करके मैं वज्रासन में गई हूँ। अभी आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने योगा का ये पोज इंक्लूड क्यों किया है, ये कंटिन्यू मैंने 15 रिपीटेशंस की इसलिए क्योंकि जब भी कोबरा पोज करते हैं हमारा कोर इंगेज रहता है, हमारे एब्डोमेन पे स्ट्रेच आता है, और ये एक पावर मूवमेंट है जो मैंने कंटिन्यू किया, जो मेरी कैलोरीज भी अच्छे तरीके से बर्न कर रहा था, मुझे थका रहा था, तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये मूवमेंट आपको शो किया है। जब तक आप एक्सरसाइज करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सच में ये वर्कआउट वर्क करता है या फिर नहीं। आप ये वर्कआउट फॉलो कीजिए, वंस इन अ वीक आप ये फैट बर्निंग वाला वर्कआउट अपने पूरे वीक में एक बार तो भी कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जिसको फैट बर्न करना है, स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही ये अच्छा सेशन होने वाला है। तो ये था, इसके मैंने सिर्फ 2 ही सेट किए, और उसके बाद हम चलते हैं अपने कार्डियो सेशन के लिए। अब जब बात आती है फैट बर्निंग का सेशन, तो ऑब्वियसली उसमें कार्डियो तो रहने ही वाला है। मैंने किया है 20 मिनट्स कम्प्लीट ट्रेडमिल, जहाँ पे सबसे पहले मैंने 5 मिनट किया नॉर्मल वॉक जो 5 की स्पीड पे था,
लेवल मैंने ज़्यादा बढ़ाया नहीं इसमें, क्योंकि हमें करना है कंप्लीट 20 to 25 मिनट का वॉक। उसके बाद मैंने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया था, जिसके कारण थोड़ी इंटेंसिटी बढ़े और कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो सके। सबसे पहले 5 मिनट्स किया मैंने नॉर्मल वॉक, उसके बाद मैंने इंक्लाइन भी करके थोड़ा अपना लेवल बढ़ाया और फिर 5 मिनट इंक्लाइन किया। उसके बाद इंक्लाइन को फ्लैट करके मैंने नॉर्मल जॉग किया है। आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली रनिंग नहीं करनी है, नॉर्मल यहाँ पे मैं जॉग कर रही हूँ स्पीड बढ़ा के। और ये हो गया मेरा कार्डियो। उसके बाद सबसे लास्ट आता है कूल डाउन स्ट्रेच। अभी आपने फैट बर्निंग का अगर इतना वर्कआउट किया है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न हुई है, तो आपके मसल्स पे प्रेशर आया होगा, बॉडी टायर्ड फील हो रही होंगी, तो सबसे बेस्ट है अपने बॉडी को कूल डाउन फेज में लेके जाओ, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। ऐसा लगेगा कि अब ये स्ट्रेच करने के बाद आपका सारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। ये डाउनवर्ड डॉग वाला जो मूवमेंट है, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा फील हो रहा था। पूरा प्रेशर आया था अपर बॉडी में एंड लोअर बॉडी में। उसके बाद मैंने कुछ नॉर्मल बेसिक मूवमेंट की, जहाँ पे मुझे लगा कि वो इम्पॉर्टेंट है, और स्ट्रेचिंग करने के बाद मसल को बहुत रिलैक्स फील भी होता है। तो आपको भी याद से ये मूवमेंट्स को अपने वर्कआउट में, अपने फैट बर्निंग के वर्कआउट में लास्ट में इंक्लूड करना है। लोअर बॉडी के कुछ स्ट्रेचेस और अपर बॉडी के भी कुछ स्ट्रेचेस मैंने किए हैं। फ्रंट बेंडिंग किया, बटरफ्लाई किया, हाथों के मूवमेंट किए, आर्म्स के मूवमेंट किए, एंड ट्रस्ट मी गाइस, उस वर्कआउट में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा वर्कआउट नहीं करते हैं, हम नॉर्मली करते हैं सिंगल मसल पे काम, और ना ही हर वर्कआउट में हम कोर को एंगेज करते हैं। प्लीज़ ये वर्कआउट एक बार ट्राई करके देखो, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वर्कआउट आपको कैसे लगा। और अगर ये वर्कआउट आपको अच्छा लगा, आप पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, तो प्लीज़ इस वर्कआउट को शेयर करना मत भूलना। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।